दोस्तों गर्मियों के मौसम में हमारा रूम ठंडा करने वाला एयर कंडीशनर यानी कि एसी को अगर हम सर्दियों के मौसम में 28 से 30 डिग्री पर चलाएं, जबकि बाहर का टेम्परेचर 5-7 डिग्री सेल्सियस हो, तो क्या ऐसा करने से एसी से कमरा गर्म हो सकता है? मतलब अगर हमारे रूम का टेम्परेचर 7-8 डिग्री सेल्सियस है और अगर हम एसी को 28 या फिर 30 डिग्री पर चलाएं, तो क्या ऐसा करने से रूम का टेम्परेचर 28 या फिर 30 डिग्री हो जाएगा? वैसे आप इस बारे में जानना जरूर चाहते होंगे, तो चलिए आपको बताते हैं कि सर्दियों के मौसम में एसी से रूम को गर्म किया जा सकता है या नहीं। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो एयर कंडीशनर है उसे रूम को ठंडा करने के लिए बनाया गया है, ना कि रूम को गर्म करने के लिए। और जो एसी होता है वो गर्म हवा को सोखता है और अपने अंदर लगे रेफ्रिजरेंट और कॉइल से प्रोसेस करके हवा को ठंडा करता है और फिर उसे रूम में फेंकता है, और जिससे हमारे रूम का एनवायरनमेंट ठंडा हो जाता है। और जो नॉर्मल एसी होते हैं वो रूम को गर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रूम के टेम्परेचर को नीचे ला सकते हैं। आपका रूम गर्म हो सकता है अगर आप हॉट एंड कोल्ड एसी चलाएं, क्योंकि जो इस तरह के एयर कंडीशनर होते हैं वो दोनों तरह के मौसम में टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों इससे आप एक आसान तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और आप अपने एयर कंडीशनर को 25 डिग्री सेल्सियस पर सेट करते हैं, तो ऐसे में आपके एसी का कंप्रेसर काम करना शुरू कर देगा और कमरे की गर्म हवा को बाहर निकाल देगा, और ऐसे कमरे का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगेगा। और एक बार जब ये 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, तो थर्मोस्टेट की मदद से कंप्रेसर अपने आप बंद हो जाएगा और ऐसे में सिर्फ एसी का पंखा ही चलेगा। और फिर जब ये टेम्परेचर 25 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, तो कंप्रेसर इसे 25 डिग्री पर लाने की प्रोसेस को शुरू कर देगा, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन अगर बात की जाए सर्दियों की, तो मान लीजिए अगर आपके रूम का टेम्परेचर 12 डिग्री है और आप अपने एसी को 30 डिग्री पर सेट करके चला देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एसी का कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि रूम का टेम्परेचर पहले से ही 30 डिग्री से कम है, और तब आपका एसी एकदम टेबल फैन के जैसे काम करेगा, और ऐसे में आपका रूम गर्म होने की वजह और ज्यादा ठंडा होने लगेगा। यानी कि बिना हीटिंग पंप वाले एसी आपके रूम को गर्म नहीं कर सकते हैं। और अगर आप सर्दी के मौसम में एसी की गर्म हवा का आनंद लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हॉट एंड कोल्ड एसी खरीदना होगा, क्योंकि इस तरह के एसी सर्दी और गर्मी दोनों तरह के मौसम में काम करता है। मतलब इसे दोनों ही तरह के मौसम में इस्तेमाल करने के मकसद से ही बनाया गया है। हॉट एंड कोल्ड एसी की क्षमता 1.5 टन की होती है, और मार्केट में इस समय कई अच्छे हॉट एंड कोल्ड एसी उपलब्ध है, और इनकी कीमत करीब 35 से 45 हजार के बीच है। वैसे इसके अलावा एसी के बारे में एक बात और है जो आपने भी नोटिस की होगी, कि एसी चाहे कोई भी हो उसका रंग हमेशा सफेद ही होता है, तो इसके पीछे भी खास कारण है। आप ये बात तो जानते होंगे कि एसी के दो यूनिट होते हैं, हालांकि विंडो एसी की एक ही यूनिट होती है, जबकि स्प्लिट एसी की एक यूनिट रूम के अंदर और एक रूम के बाहर लगी होती है। ऐसे में बाहर की यूनिट तो हमेशा सफेद रंग की ही होती है, जबकि अंदर की यूनिट कभी कभार डिजाइन या दूसरे रंग की देखने को भी मिल जाती है। दोस्तों एसी की मशीन की बॉडी पर सफेद रंग होने की वजह यह है कि सफेद रंग सनलाइट को कम अब्सॉर्ब करता है और व्हाइट या लाइट कलर हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और इससे ये ज्यादा गर्म नहीं होते, और इससे एसी में लगी कंप्रेसर जैसी मशीनों को गर्मी की वजह से दिक्कत नहीं आती है। दरअसल हमेशा डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में रहने से सफेद कलर एसी का काफी बचाव करता है, और अब तो कई कंपनियां एक स्पेशल व्हाइट कलर भी बना रही हैं जिसे एसी पर किया जा सकता है, और जिससे इन एसी का काफी बचाव होगा। तो बस यही वजह है कि एसी पर हमेशा सफेद रंग ही किया जाता है।